India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मेरा आमिराज को स्वागत करता हूँ न्याय के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में. तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अलग जो मेमोरी है ट्रैक मेमोरी टेस्ट की. ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने फिगर टू नंबर मेमोरी टेस्ट पढ़ा था, उसको आपने प्रैक्टिस में लिया होगा, प्रैक्टिस किया होगा. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे मेमोरी को, उतना ज़्यादा आपकी याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी धीरे धीरे. ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, ट्रैक मेमोरी टेस्ट. और ट्रैक मेमोरी टेस्ट के लिए हमें सबसे पहले नंबर पर कुछ बेसिक फंडे हैं वो याद करने पड़ेंगे. ठीक है, तो हमारे पास जैसे मान लो कोई, जैसे हमारे रेलवे में क्या होता है कि कहीं पर भी किसी भी जगह का जब भी हम स्टेशन का नाम लेते हैं ना, तो स्टेशन का पूरा नाम नहीं लिया जाता, तो हमेशा इसको क्या करते हैं, कोट वर्ड में अपन याद करते हैं. ठीक है, तो कोट वर्ड रहता है हर स्टेशन का, क्या रहता है, कोट वर्ड रहता है. जैसे कि मथुरा जंक्शन का नाम है MTJ, है ना, ऐसा कुछ नाम है ना. ऐसे ही हजरत निजामुद्दीन का नाम है हजरत HZN, है ना, हजरत निजामुद्दीन का नाम है ना HZN. और इसी तरीके कोटा का नाम है KTT. ठीक है, आगरा कैंट का नाम है AGC, आगरा फोर्ट का नाम है AF. ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग हैं, मतलब नाम है ना, बड़े बड़े शहरों के अलग अलग नाम है, टर्मिनल करके भी कई जगह नाम आते हैं, लेकिन सब शॉर्ट में लिया जाता है, जब भी लिखा जाता है शॉर्ट में लिखा जाता है. तो हमें क्या रखना पड़ता है, उन स्टेशनों के नाम याद रखने पड़ते हैं. अब यहाँ पर भी ये मेमोरी जो टेस्ट है वो कुछ इस तरीके से ही है. तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर रेलवे का कोई स्टेशन ही हो, वो उन्होंने एक वर्ड दे रखा वहाँ पर, वो कोई भी वर्ड हो सकता है, तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग हमें याद रखना पड़ेगा कि उस जगह पे, पर्टिकुलर उस जगह पे कौन सा वो आपका स्टेशन था. ठीक है, तो ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, जरा इसको देखते हैं अपन किस तरीके का दिखाई देता है. तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ना. तो ज़रूरी नहीं है आप हमेशा इसको स्टेशन कोई भी, आप अपने मन से भी नाम लगा सकते, नाम ले सकते हो, कोई आपके फ्रेंड का भी नाम बना सकते हो यहाँ पर, मतलब कुल मिलाकर के अपने को याद करना, क्वालिफाई निकालना. ठीक है, तो इसका बेसिक रूल क्या है, इसका बेसिक रूल सबसे पहले नंबर पर ये है कि हमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 याद करने है. कितने ट्रैक देखने, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ट्रैक. अगर कोई ट्रैक बड़ा है, कोई ट्रैक बड़ा हो जिस पर कम से कम 4 आपके स्टेशन आ रहे हैं, तो हमें ऐसे 2 ट्रैक का चुनाव करना है. यानी कि एक ट्रैक पर 4 वर्ड आ रहे हैं तो हमें 2 ट्रैक सेट करने हैं, यानी कि 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. यानी 2 ट्रैक पर हमारे 8 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे. 8 के बाद में हमारे पास 4 क्वेश्चन और बचेंगे. 4 क्वेश्चन जब अपने पास बचेंगे तो उनमें से केवल हमें 2 याद करने हैं. ठीक है, मोस्टली कितने याद करने हैं, 2 याद करने हैं. ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास 10 जो है ना स्टेशन वो पक्का याद हो जाएंगे. पक्का याद होने के बाद में जब अपन को लगता है कि अब हमारा समय समाप्ति की तरफ है, तो हम लास्ट में जो अलग दिख रहा है, जो सबसे अलग है, छूट गया है, जो बिल्कुल अलग है, उस 2 को अपन सबसे लास्ट में याद करेंगे. यानी कि सबसे पहले नंबर पर ट्रैक का चुनाव करना है, बड़ा ट्रैक देखना है, उस बड़े ट्रैक पर हमारे कम से कम 4 स्टेशन होने चाहिए, है ना. अभी मैं एक और समाधान बताऊंगा थोड़ी देर बाद. अगर मान लो बड़ा ट्रैक नहीं मिलता तो क्या करना है, अभी तो सबसे बड़ा कोशिश ये करनी है, बड़ा ट्रैक चुनना है, उस पर 4 स्टेशन चुनने हैं. 4 स्टेशन चुनने के बाद में, 4 स्टेशन चुनने के बाद में क्या करना है, ऐसे 2 ट्रैक याद रखने, और 2 ट्रैक याद होने के बाद में हमें लास्ट के लिए 2 नंबर स्टेशन और याद रखने. तो इस तरीके से हमारे को 10 याद रख के पक्का याद करके ना है, पक्का याद करके रखना है. और पक्का याद करने के बाद में फिर क्या करना है,
कि जब अपन का टाइम खत्म होने वाला हो तो जो बचा हुआ स्टेशन है उन बचे हुए दो स्टेशनों को याद करना है। और फिर सबसे पहले जो सबसे लास्ट में हमने याद किया था, जो हमारा कच्चा याद था, थोड़ा अजीब से मतलब कम याद किया था, उसे पहले भरना है। और उसके बाद में फिर हमारा खटाखट जो हमने बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में हमने फिट कर लिया था उसे भर देना है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास दो बड़े बड़े ट्रैक नहीं मिलते हैं जिसमें चार स्टेशन नहीं है, और हमें उस कंडीशन में जब अपन उलझ जाते हैं तो हमें करना क्या है, उस समय पर हमें तीन तीन स्टेशन वाले तीन ट्रैक याद करने। तीन तीन स्टेशन वाले कितने ट्रैक याद करने, तीन। अब तीन तीन स्टेशन वाले तीन ट्रैक याद करेंगे, और उन तीन ट्रैक को याद करने के बाद में जो हमारे पास तीन तीन नौ हो गए, नौ हमने याद कर लिए, अब बचे कितने हमारे पास, तीन और बचे हुए जो सबसे अलग होंगे, तो उन तीन को हम सबसे लास्ट में याद करेंगे, है ना। तो उन तीन को अपन कब याद करेंगे, सबसे लास्ट में याद करेंगे। बस तीन तीन वाले में अपन को दो ही काम करने, तीन तीन के मतलब आपको सेट तैयार करके याद करना, और फिर लास्ट में अपन को क्या करना है, जो बचे हुए उन स्टेशनों को याद करना और फिर अपना भर देना है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं। और कभी कहीं मान लो अगर एक ट्रैक आपको चार का मिल जाए और बाकी दो तीन तीन के मिले तो वो भी चल जाएगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। उसमें दस याद हो जाते हैं आपको एक बार में, बचते कितने हैं दो, ठीक है। तो जरा अब फिर इस पर आते हैं, तो इस पर आपको ट्रैक दिख ही रहे है ना। तो देखो ट्रैक मेरे को दिखाई दे रहे हैं, अब मैं देखो मैं आपको बना के बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपका ये ले लिया है और ये मैं आपका ट्रैक का चुनाव करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रैक का चुनाव किया तो मेरे को देखो ये वाला, ये रूट मेरे को बहुत पसंद आया कि इस पर एक एक दो तीन और ये चार, ठीक है ठीक है। ये हमें एक सबसे बड़ा ट्रैक मिल गया, बाकी जो ट्रैक हमें दिखाई दे रहे हैं ना वो हमारे क्या है, तीन तीन के लिए ही फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो तीन दिन के लिए फिट बैठ रहे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे पास एक ट्रैक और मिल रहा है, मुझे एक ट्रैक और मिल रहा है। और एक ट्रैक मिलने के बाद में फिर दो ट्रैक तो मेरे को यहाँ पर मिल ही गए, ठीक है। और अब अपन देखो यहाँ पर अब अपन को ट्रैक नहीं मिल रहा है, अब यहाँ पर इस केस में आने के बाद में अपने को यहाँ पर ट्रैक अब नहीं मिल रहा है। अच्छा एक ट्रैक अपन यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरा लास्ट वाला या कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो एक अपन इसको भी ले सकते हैं, वैसे इसमें दो ही नाम आ पाएंगे, ठीक है। बाकी अब अपन देखो अपन का माइंड में सेट हो गया कि एक तो चार वाला है और एक हमारा तीन वाला हो गया, ठीक है। बाकी हमें याद करना ही पड़ेगा, बाकी सारा हमें याद करना पड़ेगा सबसे। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस तरीके से हम उलझ जाते हैं। किस तरीके से उलझ जाते हैं कि भाई हमारे पास एक ही पॉइंट के पास में दो नाम लिखे हुए नजर आते हैं, कभी कभी होता है ऐसा। जैसे कि हमारे पास जैसे यहाँ वाली कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर आपका कर देता वो आपका मान लो GGC कर देता, G और ये C, ठीक है। तो अगर आपको GGC भी लिख देता यहाँ पर और आपके दो बिंदु मतलब दो स्टेशन होते, और मान लो कुछ ये पॉइंट है ना यहाँ पर ना होकर के थोड़ा ऊपर नीचे की साइड सेट होता, तो उस केस में अपन को क्या करना रहता कि जो जिस बिंदु के पास में ये जो देखो दिख रहा है, मैं रेड करके दिखाता हूँ आपको, जिस बिंदु के पास में सबसे नज़दीक जो नाम होगा अपन को उसको चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर अभी ये कंडीशन वाली बात हो नहीं रही है, जैसे मान लो आपके यहाँ पर भी कोई ऐसा ट्रैक बना दिया जाए, ठीक है, इसमें ट्रैक यहाँ बना दिया जाए और यहाँ पर इस जगह पर कोई नाम ऐसा कोई नाम यहाँ पर भी लिखा हो, एक नाम यहाँ PTN लिखा हो और यहाँ पर ये लिखा हो, तो अपन को जो नाम सबसे नजदीक पड़ रहा होगा वो अपन को देखना रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा दूर चला गया, हो सकता है ये इसका नाम हो सकता है, बाकी अपने को कुछ इस ये वाला पॉइंट पे अपन को याद रखना पड़ेगा, यानी बिंदु की जो सबसे ज्यादा नजदीक चीज हो ना वही उसका स्टेशन होता है, ठीक है। चलिए ऐसा आएगा, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि मेरा तो काम ये है आपको समझा देना, एक एक जो दिक्कत आती है ना पेपर करते टाइम वो अपन को। अब देखो ट्रैक का चुनाव करने के बाद में हमने वो ट्रैक का चुनाव कर लिया, ट्रैक का चुनाव में दो ट्रैक तो वैसे मिल ही गए, और मिलने के बाद में सबसे जो अलग नाम दिखाई दे रहा है, देखो ये नाम मुझे सबसे अलग दिखाई दे रहा है, ये नाम मेरे को सबसे अलग दिखाई दे रहा है ना, ये किसी ट्रैक पर नहीं आ रहा है, एक नाम मेरे को ये भी सबसे अलग दिखाई दे रहा है, यानी तीन नाम ऐसे हैं जो सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे ट्रैक कितने मिले हमें, एक ट्रैक तो हमें ये वाला मिला, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला है ना, और दूसरा ट्रैक हमें यहाँ से और यहाँ तक का मिला, ठीक है। दो ट्रैक मिल गए और सबसे अलग दिखने वाले जो नाम हैं वो हमें एक दो और ये तीन दिख गए, ठीक है। तो तीन नाम हमें ये दिखाई दे गए, ठीक है। तो अब हमारे पास तीन तीन के तो दो जोड़े बने,
यानी अगर हम ये गोल वाले को अगर एक जोड़ा मान लें तो एक दो और ये तीन, तो ये तो हमें एक साथ याद रखने पड़ेंगे, एक दो और ये तीन, तीन ये तो हमें एक साथ याद करने है ना, और ये ट्रैक ट्रैक हमें अलग याद करना, और ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पॉइंट हमें एक साथ अलग याद करना है। तो चलो याद करना शुरू करते हैं। देखो कहाँ से याद करना है, SBR है ना, तो SBR का अपन क्या नाम बना सकते हैं बताओ जल्दी से, आप करो सोचो जरा, SBR, PBN, LPQ और LPR, इसका नाम बनाओ जल्दी से फास्ट, जो भी आप नाम बना सको, जैसे कि मान लो अपन PBN पंजाब भी बना सकते हो आप इसका है ना, और पंजाब की जगह आप इसका दूसरा भी नाम बना सकते हैं अपन, पवन कर सकते हैं इसका नाम, साबिर, देखो पवन साबिर लाल कुमार और लाल राम, ठीक है ये भी देखो दोस्तों के अकॉर्डिंग हो गए, ठीक है तो अपन देखो एक तो नाम क्या है, साबिर है, पवन पवन है, लाल कुमार है और लाल राम है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है तो अपने पास ये कुछ नाम याद हो गए। जब अपन के ये नाम स्टेशन से मैच नहीं हो रहे तो अपन किसी और किसी अपने दोस्त के नाम पर भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अपने को वही फंडा रखना है कि जो मैं बोल दूँ वो पत्थर की लकीर हो जाए, नहीं कुछ भी अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन किस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो अपन ने एक एक ट्रैक याद कर लिया, अब एक ट्रैक याद करने के बाद में संडे को, यहाँ देखो यहाँ यहाँ मैंने क्या बोला इसको, संडे संडे को अपन कहाँ जाएंगे, CBN है ना, वैसे तो कानपुर का ये कोड है, CNB शायद कानपुर का ही है ना, लेकिन मैं और कुछ इसका बना देता हूँ, संडे को सिनेमा देखने सोरल के साथ जाएंगे, ठीक है संडे को सिनेमा देखने किसके साथ जाएंगे, सोरल के साथ जाएंगे, तो अपन एक ये भी याद ट्रिक याद कर सकते हैं। तो साबिर था यहाँ पर पहले नंबर पे, हमने इधर की तरफ क्या याद किया था, साबिर याद किया था, पवन कुमार पवन याद किया था है ना कि नहीं, और LPQ को अपन ने क्या याद किया था, लाल कुमार और ये लाल राम ऐसा कुछ याद किया था ना, तो इस तरीके से अपन को ट्रिक बना करके इसको याद करना है, और याद करने के बाद में फिर अपन को सबसे पहले इसको भरना है, जरूरी नहीं है कि हमारा मतलब एक तरीके से पक्का छप जाए, हल्का फुल्का भी है तो हम वहां पर भर सकते हैं अपन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दो, नागपुर इसको क्लियर कर लो फर्स्ट सेकेंड एक दो तीन नंबर को क्लियर कर लो, अंतिम में शुरुआत में क्या था, नागपुर था, और लास्ट में क्या था, PBR, पवन बिहारी राय, ठीक है ये भी बना सकते हो, नागपुर पवन बिहारी राय और ये क्या है आपका CPK पाक, ठीक है जैसा भी याद हो जाए वैसा है ना, और इसके बाद में ये तो हमारे कोने कोने के स्टेशन से जो हमें याद हो गए। अच्छा इसके साथ में अपन ये भी याद कर सकते हैं ACD हमारा इस वाले पॉइंट पे पॉइंट भी याद करो इसके साथ, गलती से अपन ये गलती ना कर दें कि ये नाम तो याद कर लें पॉइंट याद ना हो, ये गलत हो जाएगा हमारे साथ। मैं तो देखो पॉइंट समझा सकता हूँ आपको, मैन मेरा काम यहाँ पर आपको है जो चीज़ें अपन जनरली भूलते हैं वो चीज़ अपन को याद कराना, ठीक है तो ACB के साथ में ये पॉइंट याद करना, नहीं तो आप ACB यहाँ लगा के आओगे इस वाली जगह पे, इस वाले में लगा करके आ जाओगे नहीं तो आप, है ना, तो ऐसी गलती मत करना कि इसमें ठोक दो। तो ACD ये वाला अपन को ये यहाँ याद रखना है, और ORZ अब मैं देखो ये लास्ट में ORZ अलग याद कर रहा हूँ, ACD अलग याद कर रहा हूँ, देखो मैं दोनों जगह क्या कर रहा हूँ अलग अलग इनको याद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम याद हो रहे हैं, और जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा पेज को बदलूँगा, ठीक है पेज को बदलते ही क्योंकि अपन ने टाइम अच्छा दिया है इसको, तो
अपन सीधा सीधा हम क्या भर सकते हैं भाई, ए ए सी डी, ठीक है। अब आपको इस पर इसका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ई आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर अपना क्या आएगा, ए सी डी, मैं पूरा रेडी ले लूं मार्क, दो सेकेंड, ए सी डी का क्या आंसर आएगा, आपका ई आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। साबिर जो मैंने अभी याद किया था, साबिर यहाँ साबिर आएगा, यानी साबिर का आंसर क्या आएगा, साबिर का आंसर क्या आ जाएगा आपका, एस बी आर का आंसर कितना है, सी आपका बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगले पॉइंट पर चलते हैं नेक्स्ट। तो नागपुर था या कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन, अपने इसमें नीचे की साइड क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, मैं आपको इसके क्वेश्चन भी याद कराता रहूँगा, ठीक है। तो साबिर तो अपन ने याद कर ही लिया था, साबिर याद करने के बाद में और क्या चीज़ थी अपनी, संडे को, संडे को एस यू एन था, संडे को, संडे को अपन को किसके साथ जाना था, संडे को अपन को सिनेमा देखने जाना था, ठीक है। मैं थोड़ा इसमें नीचे की साइड पूरा पेपर नहीं ले पाया इसका, संडे को हमें क्या जाना था, सिनेमा देखने जाना था, तो सी बी एन जाना था, सिनेमा देखने जाना था, और किसके साथ जाना था, सोरल के साथ जाना था, है ना, ये अपन ने याद किया था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, साबिर पवन, साबिर पवन और क्या था, लाल कुमार और लाल राम या लालपुर ऐसे कुछ, एल पी, मेरे को ज़्यादा नहीं नहीं याद, मेरे को इतना याद है एल पी आर था यहाँ पर, ठीक है। तो एल पी आर मुझे डायरेक्ट ही याद हो गया, यहाँ पर क्या था, नागपुर, ठीक है। शुरुआत में क्या था, नागपुर था, और अंत में क्या था, पी बी आर, मतलब पंजाब करके या और कुछ करके आप इसको याद कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पी के था, यहाँ पर पी के था, पी के यानी पाक था, और जब आप उसको क्वेश्चन देखोगे तो सी पी के आ जाएगा अपने आप ही आपके माइंड में, तुरंत ही आप क्या कर पाओगे, भर पाओगे, ठीक है। अब अपन ने लगभग अपन ने क्या कर दिया, भर दिया है ना। कुछ चीज़ें हमारी जैसे यहाँ छूट रही हैं, जो अपन ने याद नहीं किया था, ओ आर जेड जो अपन ने याद नहीं किया था इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, अपन ने ये याद ही नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, 100% जो जो हमने याद किया है वो हमें याद होना चाहिए। देखो इसमें अपन को क्या याद था, देखो दोबारा से मैं आपको बता दूं, इसमें अपन को याद था पी के, ठीक है, साबिर पवन लाल कुमार और लाल लाला राम ऐसे कुछ अपने याद किया था, है ना। मतलब एल पी क्यू एल पी आर तो अपने वो खटक मतलब तुरंत ही याद हो रहा था, जैसे मैं अपनी माइंड की बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नागपुर अपन ने यहाँ देख लिया था, और लास्ट में क्या पंजाब टाइप से अपन ने याद कर लिया था, संडे को सिनेमा देखने सोरल के साथ जाना था, ठीक है, और यहाँ पी के ए, ये अपन ने लास्ट में याद किया था, ए सी डी, और सबसे पहले अपन ने किसको भरा था, ए सी डी को ही अपन ने सबसे पहले भरा है, ठीक है, हो गया क्लियर। इस तरीके से अपन को क्या करके याद करके इसको तुरंत ही भर देना है। अब मैं अब आपको क्या करने वाला हूँ, इस पर अब याद करने के लिए टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगला जो टेस्ट है मैं आपको ओपन करने वाला हूँ, अब आप लोग सारी चीज़ें इसको छोड़ो, इसको दिमाग से हटा दो, और इसको यहाँ हटाने के बाद में तुरंत ही आप क्या कर दो, हाँ क्या करेंगे, एक बार दिमाग से हटा दो, फ्रेश करो इसको माइंड से। ये तो मैंने थोड़ा आपको बताने के लिए याद करवाया था, कभी कभी टफ नाम भी आ जाते हैं। और 2014 का जैसे मैं आपको बताऊँ, 2014 में क्या हुआ था, कुछ नाम जेड एक्स एन एन जेड एक्स वाई जेड क्यू ऐसे नाम भी आ गए थे, है ना। तो जेड एक्स वाई कुछ इस तरीके से नाम दे दिया था। तो आपन को क्या करना है कि ट्रैक मेमोरी में अपने किसी साथी से कुछ ट्रैक बनवाना है, टाइप का है कुछ कुछ बनवाना है, और उसमें कुछ मिले जुले अक्षर निकालने, उससे बोलना है कि भाई तुम ऐसे ट्रैक मेमोरी बनाओ मेरे लिए कि भाई उसमें अक्षर जो हो ना कुछ मैच कर रहे हो एक दूसरे में, जैसे एन जेड एक्स लिख दिया और दूसरी जगह एक्स जेड एन लिख रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, किसी अपने साथी से मित्र से बोलो, बोला मेरे लिए बना दे मैं तेरे लिए बनाता हूँ, फिर दो दो मिनट का अपना बोलो टाइम लगा करके, और उसको क्या करना, कार्बन अपने साथ रखना, कार्बन पेपर ट्रैक बनाते टाइम, ट्रैक बनाते समय कार्बन पेपर नीचे रखना, और
फिर उसको क्या नाम है अपना कार्बन पेपर के बाद में जो नीचे की साइड छपा हुआ आ जाए ना, तो उसको आप प्रैक्टिस करना। क्योंकि 2014 में हमने कुछ इसी तरीके से बच्चों की प्रैक्टिस कराई थी, क्योंकि जब वो वहाँ टफ देने लगा था। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है थोड़ा सा ओल्ड पेपर टाइप का है, पुराने समय थोड़ा सा है, तो नया जो पैटर्न, नया पैटर्न मान लो या थोड़ा टफ करके जो दिया था, तो एक्स वाई जेड करके कुछ इसमें स्टेशन के नाम इन्होंने डाले थे, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि जरूरी नहीं है कि आप क्या करें पूरा ही नाम याद करें, कुछ शब्द भी आप याद कर सकते हो, लेकिन बस शर्त ये है कि जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो वहाँ आप उसको क्या करते हैं छोड़ ही दे, गलत ना करें इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चन है और अगर आपने गलती की तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अपने सामने, ठीक है। इतनी सब बातें थी जो आपको मेरी सुननी थी, सुन लिया। अब आप है ना बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान देंगे, अपने मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान दो और मैं आपको क्वेश्चन बदल रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपके सामने बिल्कुल सिंपल लगाया मैंने जानबूझ करके, ताकि आप लोग आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको याद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, याद करो इसमें। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, इसके पॉइंट को उसके साथ जोड़ देना। देखो मैंने आपसे बोला था ना, मैं थोड़ी देर पहले जब मैं आपको समझा रहा था कि भाई हमारे पास अक्षर एक होगा और उसके पास में क्या होगा, उसके पास में हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, ये दो पॉइंट आ जाएंगे, आ गए। अब मुझे आप एक बार बताइए ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो नज़दीक किसके हैं सबसे ज़्यादा, ये इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है इस वाले पॉइंट के, ठीक है। तो अपन को इस वाले पॉइंट से इसको याद करना है, ठीक है जी। ये अक्षर जिसके ज़्यादा पॉइंट के नज़दीक होता है हम उसकी तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मुगल सराय है, ये मुगल सराय नाम से याद करना इसको, MGL सिंपल नाम है, ये आराम से याद होंगे, तो ये आपको इसके साथ याद करना है ना, याद करो। गया कैसे याद करना है, गया एक छोड़कर मुगल सराय, गया एक छोड़कर मुगल सराय, एक छोड़कर कानपुर, एक छोड़कर कानपुर। तो आपका एक ट्रैक मैंने आपको यहां याद करा दिया। दूसरा, वाराणसी में एक छोड़कर इलाहाबाद, अगर आपने ये एक छोड़कर नहीं बोला ना तो आप इलाहाबाद यहाँ भरोगे, बीच वाले पॉइंट पर यहाँ भर सकते हो इलाहाबाद, तो अपने को गलती से नहीं करना है। वाराणसी एक छोड़ के इलाहाबाद, एक छोड़ के धनबाद, एक छोड़ के धनबाद, DNB। देखो इस पर याद करना है, इसको ये बीच वाले पर याद मत कर लेना, ठीक है। एक छोड़ के धनबाद, और अगर इसका कोई आपको नाम नहीं बन रहा है तो नेशनल हाईवे कर दो, नाच कर दो, जो आप कर सको वो कर दो, माइंड में सेट होना चाहिए। कोलकाता, पटना, रांची, और सबसे अलग क्या देख रहा है, मुंबई, लखनऊ, ठीक है। मुंबई और लखनऊ में सबसे लास्ट में याद करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। अरे बेटा नहीं बेटा, देवता हूँ। अब रिवीजन कर लो, एक मिनट से ज़्यादा समय हो गया, रिवीजन कर लो। गया इस वाले पॉइंट पे, गया एक छोड़ के मुगल सराय और एक छोड़ के कानपुर, इधर आ जाओ। वाराणसी एक छोड़ के इलाहाबाद, एक छोड़ के धनबाद, और NAH का नाच, ये बीच में नाच, कोने में मत नाचने लग जाना, कोने पे इस वाले कोने पे नाचोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, नाच कहाँ बीच में, यहाँ पर। कोलकाता, पटना और रांची, कोलकाता, पटना और रांची, ठीक है। तो अपने वो डायरेक्ट इस तरीके से याद करना है, और याद करने के बाद में देखो सबसे लास्ट में अपन को वो चीज़ याद करनी है जो अपन को कहीं पर सेट नहीं हो रही, दिमाग में नहीं बैठ रहा, तो मुंबई अपन को सबसे लास्ट में रखना है, मुंबई और लखनऊ, ठीक है, मुंबई और लखनऊ, इसका लखना भी हो सकता है और लखनऊ भी हो सकता है, जो भी आपको माइंड में जो भी सेट हो जाए वो। अब जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, तो सबसे पहले हमें मुंबई और लखनऊ ही भरना है, सबसे पहले हमें क्या बनना है, मुंबई और लखनऊ, है ना। अब यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने नाम यहाँ नहीं लिए हैं, ठीक है, मैं आपको नाम इसके लिख देता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आप लोग इसमें नाम देख देख के भरते चले जाना। सबसे पहले अपन को क्या बनना है, मुंबई,
नाम दिए हुए होंगे वहां पर, और वहां पे जैसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, गया, ठीक है गया। दूसरे नंबर पे ये लिखा हुआ होगा, यहाँ ए बी सी डी ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ना ऐसे ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ये सब आपको वहाँ दिया हुआ है, गया मुगल सराय, ठीक है। दो तीन नंबर में आपका कुछ भी वी ए एन दिया हुआ है, अपन ने वाराणसी से याद किया था। चार नंबर पे एल के एन ये वहाँ दिया हुआ होगा, है ना, इमेज बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको नहीं लिया था, है ना। चार हो गया, पाँच नंबर पे के ए एन दिया हुआ था, भर देना इसको। छः नंबर पर ए एल भी दिया हुआ था, इसको इलाहाबाद देखा था अपन ने। सात नंबर पर धनबाद, इसको याद किया था, डी एन बी। आठवें नंबर पर नाच, कहाँ नाच, बीच में नाच, देखो बोल के याद करोगे तो ज़्यादा याद होगा, है ना, जल्दी याद होगा, है ना। नौ नंबर में के ओ एल, याद करो के ओ एल अपन ने कहाँ किया था, पी टी एन, ठीक है, रांची और मुंबई, ये थे ना। अब आप देख लो आंसर, अब आप मिलाओ। गया, गए पे अपन ने यहाँ करा था ना, तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर, है ना। मैं थोड़ा चेंज कर लूँ इसका रंग। हाँ, ये क्या था, गया का आंसर क्या आया, सी आया। गया एक छोड़ के कहाँ था, मुगल सराय, मुगल सराय। मुगल सराय को देखो आप वहाँ कितना आ रहा है, एक छोड़ के यानी बी आ गया, ठीक है। और कहाँ गए थे अपन, कानपुर, एक छोड़ के कानपुर गए थे, ठीक है। तो कानपुर का क्या था, के ए एन से याद करा था, और इस पे क्या आएगा आंसर, ई आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और अपन ने ट्रैक याद किया था, कोलकाता पटना और रांची। तो कोलकाता जहाँ तक मेरे को यहाँ पर याद था, कोलकाता के ओ एल, ठीक है। तो के ओ एल का देखो डी होना चाहिए, कोलकाता कहाँ है, क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पर, डी आ जाएगा कोलकाता। पटना, कोलकाता से कहाँ गए पटना, और पटना से कहाँ गए रांची। तो पटना ये हमारा ये इस पे था, यानी इस वाले पॉइंट पे क्या आया, ए आया। रांची यानी इस वाले पॉइंट पर था, क्या आया आपका, बी आया। मुंबई अपन ने भरी दिया था सबसे पहले, यानी इसका अपन को क्या भरना था, मुंबई का अपन को क्या भरना था, सी भरना था, ठीक है। मुंबई हमें सी, मुंबई और लखनऊ हमें पहले बनना था, तो लखनऊ अपन को क्या, ए, ठीक है। इलाहाबाद देखो अब क्या था, इसके बाद में एक और अपन ने वाराणसी, एक छोड़ के इलाहाबाद, एक छोड़ के धनबाद, फिर नाच, ठीक है। तो वाराणसी सबसे पहले वाराणसी था, तो वाराणसी में ए एक छोड़ के, एक छोड़ के यानी इस वाले पॉइंट पे आ गए थे ना। वाराणसी में अपन यहाँ थे, वाराणसी एक छोड़ के कहाँ थे अपन, किस में थे, इलाहाबाद, ए एल डी, ए एल डी, देखो ए एल डी मुझे मिल गया, ठीक है। और एक छोड़ के धनबाद थे, एक छोड़ के कहाँ थे, धनबाद थे। और उसके बाद नाच था, और नाचना कहाँ था अपन को, यहाँ पर नाचना था, है ना। तो नाचना कहाँ था आपका, ये ई है यहाँ पर, ठीक है, ई है, गलती से ये मत भर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, इसकी हमने सारे के सारे क्या कर दिए, इसके भर दिए। तो हाँ, तो आपके क्लियर हुआ, इधर ध्यान दो सभी, आपके क्या है ये क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, पढ़ना मैं, मेरा काम है पढ़ाने का, पढ़ा सकता हूँ मैं एक एक पॉइंट को, किस तरीके से अपन को याद करना है। एक मैंने देखो ये तो पूरे स्टेशनों के नाम आए यहाँ पर, यहाँ 1% नाम, इधर दोस्तों के नाम रखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इससे पहले वाले टेस्ट के अंदर अपन ने क्या किया था, दोस्तों के नाम रखे थे यहाँ पर, सौरभ, साबिर, है ना, और यहाँ पर पवन, है ना, लाल कुमार, लाल राम, ऐसा नाम रखे थे ना। जब अपन को स्टेशन का नाम नहीं मिलता है तो अपन दोस्तों के नाम पढ़ जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी गंदा भी सोच लेना, कोई चीज़ में अगर जैसे दिमाग नहीं चल रहा है तो वहाँ अपना कुछ और दिमाग भी लगा देना। लेकिन कुल मिला करके हमें स्टेशन याद होना चाहिए, और स्टेशन का प्लेस भी याद रखना है, जहाँ लगे कि यार यहाँ अपन पे भरते टाइम अटक जाएंगे तो उसका प्लेस जरूर याद कर लो, ठीक है। और बोल बोल के मेमोरी की प्रैक्टिस करना, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, गूंगे बन के और सुन सट होकर के एकदम अपना बिल्कुल होश आवाज वहाँ लगा कर वो याद मत करना, बोल बोल के याद करना। जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराते टाइम बोल रहा हूँ ना अपने मुंह से कि भाई मैं इसका नाम साबिरी से याद कर सकता हूँ, और मेरे ऊपर कोई स्टेशन का नाम याद नहीं आ रहा मुझे,
है ना कि नहीं, जैसे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे ना अपन, भाई मैं तो साबिर याद कर सकता हूँ, ठीक है, इसका पवन याद कर सकता हूँ, पंजाब भी नहीं बन रहा, जहाँ पंजाब मेरे को बनाने के लगा कि भाई पंजाब हो सकता है या पंजाब लगा दो, ठीक है, तो ऐसे याद करा, ठीक है, पवन, यहाँ पवन बिल्कुल क्लियर हो गया, तो बाकी जो बचेगा वो हमारा पंजाब में चला जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात, पवन एन की ध्वनि लास्ट में आ गई, इस वजह से अपन ने इसको पवन से याद कर लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम नाम स्टेशन के नाम से तो याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर हमें नहीं मिलता है तो हम कोई जानवर के नाम से याद कर लो, ज़ेब्रा है ना कि नहीं, है ना, ज़ाइलो, ऐसे नाम याद कर लो, तो ऐसे करके याद करोगे तो भी मेमोरी आपको याद आपको करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात रही हमारी मेमोरी टेस्ट की, मेमोरी टेस्ट में आपके ट्रैक मेमोरी की बात रही, तो ट्रैक मेमोरी मेरे को लग रहा है आपकी समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। अब क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको अगली क्लास के अंदर थोड़ा सा टेबल टेस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, तो जरा अपन दोस्तों टेबल टेस्ट के कुछ बेसिक फंडे हैं ना वो हल्का सा देख लें, और वो देखने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं उसके बारे में अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई अपन को टेबल दिखाई दे रही है, दिख रही है पीछे, दिख गई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके दो हाथ रखे हुए होंगे, आपने दोनों हाथों से मोबाइल पकड़ रखा होगा, नहीं पकड़ रखा तो दोनों हाथों से पकड़ लो, एक बार पकड़ लिया आड़ा कर लेना मोबाइल को, कर लिया, अब आड़ा करने के बाद में इसको पकड़ लो, पकड़ने के बाद में अब आप मुझे बताइए, अब आपने अपने हाथ में अपना मोबाइल पकड़ रखा है तो आपका राइट हैंड किस साइड है, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, क्या लेफ्ट हैंड आपका इस साइड है, क्लियर हुआ, यानी कि दायां और बायां, तो दायां और बायां क्लियर हुआ, अरे देवताओं नहीं हुआ है? चल रहा है, हाँ देवताओं ध्यान सुनो, सबसे पहले नंबर पे दायां और बायां अपने दिमाग में भर लो, आपने मोबाइल पकड़ रखा है क्या सबने अपनी अपनी उससे हाथ से मोबाइल पकड़ी रखा होगा, ठीक है। अच्छा अब दायां और बायां आपको याद हो गया, अब सुनो अब एक और याद करो, देखो मोबाइल में अगर मैं बोलूँ नीचे कहाँ होगा तो क्या आप नीचे यहाँ जाओगे, अरे देवताओं दिख रहा है नहीं दिख रहा, नीचे नीचे, और मैं बोलूँ ऊपर तो ये ऊपर होगा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर इसको इंग्लिश में और हिंदी में कन्वर्ट करके बताना है ना, तो देखो बनाने बताने में तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन इसको अभी अपन हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी पढ़ा दूंगा, है ना, अभी मैंने क्वेश्चन भी मैं लूँगा ना, तो वो मैं आपको हिंदी के अकॉर्डिंग लेने वाला हूँ, है ना, तो आज के लिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मेरा खेद है, अगली क्लास में मैं अपने है ना इसमें अगली क्लास में जब मैं आऊँगा ना तो मैं अगली क्लास में क्या जब भी मेरे को इसमें लगेगा ना मैं आपको पहले बोल दूंगा कि भाई अब मैं आपको इंग्लिश में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। दायां बायां ऊपर नीचे क्लियर हो गया, अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या याद रखना, विकर्ण, विकर्ण देखो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा ये एक, ये क्या है विकर्ण, ठीक है। अब विकर्ण में अगर कोई आपसे बोलता है कि विकर्ण का पहला अक्षर, अब वो कैसे बोलेगा, पंक्ति एक और स्तंभ एक का पहला अक्षर, ठीक है, ऐसे। तो कभी भी आपसे पहला अक्षर बोलता है ना तो पहला अक्षर हमेशा ये माना जाता है, दूसरा अक्षर विकर्ण का ये माना जाता है, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। आज सुनते जाओ समझते जाओ, यहाँ पर ये रूल्स हैं, इसके थोड़े से रूल्स अगर एक बार दिमाग में सेट हो गए ना तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो बोल देता है स्तंभ एक का विकर्ण, तो स्तंभ एक का विकर्ण भी यही होगा जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर,
अगर वो बोल देता पंक्ति एक का विकर्ण, तो पंक्ति एक का विकर्ण भी यही होगा। बेटा दिमाग में क्लियर होगी बात, स्तंभ एक का विकर्ण और पंक्ति एक का विकर्ण एक ही होता है, ठीक है। और पूरी तालिका में दो विकर्ण होते हैं। अब मैं दूसरा विकर्ण बता रहा हूं आपको, देखो ये दूसरा विकर्ण चल रहा है हमारा, ये दूसरा विकर्ण पे कलर चेंज करके बताता हूं, ये हमारा दूसरा विकर्ण है, ये हमारा कौन सा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है, ये हमारा क्या है, दूसरा विकर्ण है। तो एक टेबल के अंदर दो ही विकर्ण होते हैं, क्लियर होगी बात। अब अगर देखो यहां ये बोलता है पंक्ति पांच का विकर्ण, पंक्ति पांच का विकर्ण, तो आपको इधर से जाना है ऊपर की साइड, नहीं समझे, पंक्ति पांच के विकर्ण में आपको इधर से ऊपर की साइड इधर की तरफ से तिरछा चलना है। और अगर बोलता है स्तंभ पांच का विकर्ण, तो इधर से चलना है, ठीक है, स्तंभ पांच का विकर्ण तो उधर से चलना है, इसको माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा क्लियर होगी बात। अच्छा ये तो विकर्ण की बात हो गई, अब सुनो मेरी बात, तो विकर्ण कितने होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण विकर्ण कितने होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। और विकर्ण होने के बाद में दाया बाया क्लियर हो गया होगा आपका, और ऊपर नीचे का क्लियर हो गया होगा। अब अपन एक रूल और पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझना मेरी बात को यहाँ पर। तो अब देखो जरा अपन इसको क्या कर ले, मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ इसको, तो कॉपी कर लूँ मैं इसको, दो सेकेंड इसको मैं कॉपी कर लूँ एक बार, ठीक है। लो मैंने अब कॉपी कर लिया आपके लिए, ताकि आपको इसका वो भी मिल जाएगा आपको, जब भी आप कर रहे होंगे पढ़ रहे होंगे ना, ये लो, ये एक स्लाइड होगी, ये दूसरी स्लाइड, ठीक है। अब देखो दायां बायां आपको समझा दिया है, अब मैं के और से नियम समझाने वाला हूं, के और से नियम छोटा सा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लो हल्का सा, क्या नियम है, के और से नियम पढ़ा रहा हूं वो आपको, है ना। के का नियम क्या है, को छोड़कर, ठीक है, के को छोड़कर और से साथ लेकर नियम, ये नियम है, ठीक है। अब इस नियम को लागू कैसे करना है तो जरा समझो, अगर वो अपन से क्या कहता है, सबको दिख रहा होगा मैंने स्विच करा लिया इसीलिए अपना, कि आपको एक एक पॉइंट यहां क्या हो दिखाई दे, है ना। अगर वो बोल देता है कि पंक्ति एक और स्तंभ एक के अक्षर के, अच्छा टेबल में दो टाइप होते हैं टेबल का, ये भी तो फर्स्ट टाइप ही आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, वो भी दोनों टाइप दोनों एक ही चीज़ है ना, कोई ऐसा कोई नहीं है बड़ा पहाड़ नहीं आ जाएगा, एक ही चीज़ रहेगी, ठीक है, उसकी जगह अंक आ जाएंगे, ठीक है, बस ये है ना। तो स्तंभ एक पंक्ति एक के अक्षर, है ना, या का अक्षर ऐसे बोलेगा, पंक्ति एक और स्तंभ एक के अक्षर के दाएं, के दाएं दूसरा अक्षर, तो के दाएं, पंक्ति एक स्तंभ एक के का अक्षर, पंक्ति एक स्तंभ एक का अक्षर के दाएं, यानी इसको के साथ उसने क्या जोड़ दिया, के दाएं, उसने क्या जोड़ दिया आपको, के दाएं, यानी दाएं यानी हमें इधर बढ़ना है, और इधर बढ़ते टाइम जब भी वो के बोल दे
इस अक्षर के बाद में क्या लगा दे, के लगा दे, ठीक है। तो अपन को जब भी काउंट करना है तो इसको छोड़ देना है और इस जगह पर बोलना है वन, इस जगह बोलना है दो, और इस जगह क्या बोलना है तीन, और इस जगह क्या बोलना है चार। क्लियर होगी बात, यानी इसको छोड़ करके क्या करना है, गिनना है ना। पंक्ति ऐसे भी बोल सकता है, पंक्ति एक के प्रथम अक्षर, पंक्ति एक के प्रथम अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, तो आपका आंसर कहाँ चला जाएगा, बी पर चला जाएगा। समझ गया मेरी बात, कहाँ चला जाएगा आंसर आपका, बी पर चला जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी। अब जैसे मैं क्वेश्चन, अब अभी तो मैंने ये के का नियम बताया था, किसके अकॉर्डिंग बताया था, के नियम के अकॉर्डिंग बताया था। अगर वो क्या कर देता है, क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता है, बोलता है पंक्ति तीन के प्रथम अक्षर, यानी प्रथम अक्षर यही कहलाता है, ठीक है, पंक्ति तीन यानी प्रथम, पंक्ति तीन का प्रथम अक्षर, या फिर वो आपसे ये भी बोल सकता है पंक्ति तीन स्तंभ एक के अक्षर या का अक्षर, ठीक है, ऐसे बोलेगा के दाएं या बाएं या से दाएं या बाएं। अब मैं क्योंकि यहां से बताने वाला हूं तो पंक्ति तीन के प्रथम अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, से दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो देखो इसमें तो अपन ने ए को छोड़ दिया था और इस आगे बढ़ गए थे, दूसरे कॉलम में चले गए थे, से बोल देगा ना, से बोल देगा ना, तो से बोलेगा तो अपन एक इसको मानेंगे, यानी डी के साथ में इसको काउंट कर लेंगे, और फिर सी को अपन क्या मानेंगे, दो मानेंगे, फिर इस सी को अपन क्या मानेंगे, तीन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, चार मानेंगे, और इसको पांच मानेंगे। समझ गए। तो पंक्ति तीन के प्रथम अक्षर से दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, तो दूसरा अक्षर क्या होगा, तो ध्यान रखना आंसर हमेशा हमेशा दूसरा अक्षर क्या होगा, तो दूसरा अक्षर, ठीक है, तो इसको साथ लेना है डी से दूसरा अक्षर क्या होगा, तो डी के से यानी पहला तो यही हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन सुन लो एक और बार, कहीं मैंने कोई मिस्टेक कर दी तो एक और बार सुन लेना इसको, या जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा सुन लेना। पंक्ति तीन के प्रथम अक्षर से दाएं दूसरा अक्षर, से दाएं दूसरा अक्षर, तो से बोल देता है ना, तो इसको इसके साथ ले लो और दाएं दाएं चलो दूसरा, पहला तो यही हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, सी हो गया, ठीक है। अगर वो क्या कहता है आपसे कि भाई ऐसे कह दे कि पंक्ति तीन के प्रथम अक्षर से दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, तो पांचवे अक्षर में आप कहाँ चले जाओगे, बी पर चले जाओगे। क्लियर हो गया के और से नियम। अच्छा यहाँ पर एक और मैं आपसे बात कहूँ, ये रूल कहाँ नहीं लगेगा, तो अगर पंक्ति और स्तंभ ये दो चीज बोलता है उसके बाद में के ऑब्लिक से लगाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब पंक्ति के दाएं तीसरा अक्षर, तो पंक्ति ये रही के दाएं तीसरा अक्षर, तो तीसरा हमें इसे मानना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, यानी हमें कोई रियल रूल लागू नहीं करना, जो नंबर चलते हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ये पहला हो गया दूसरा हो गया तो तीसरा हो जाएगा। अगर बोल देता है पंक्ति से दाएं तीसरा अक्षर, तो भी यही होगा, पंक्ति के दाएं तीसरा अक्षर तो भी यही होगा, पंक्ति से दाएं तीसरा अक्षर तो भी यही होगा, यानी पंक्ति और स्तंभ के साथ में जोड़ करके के या से बोलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात, ये भी नियम क्लियर हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने के और से नियम क्लियर कर लिया, यानी कि अगर अक्षर के साथ के या से का उपयोग करता है तो
के में उस अक्षर को छोड़कर गिनना शुरू करना है तथा उस अक्षर के साथ से शब्द लेता है तो उस अक्षर को साथ में लेकर गिनना प्रारंभ करना है। क्लियर होगी, दोनों चीजें यहां लिखी हुई हैं। चलिएगा अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। देखो ये तो मैं है ना, अगला पॉइंट और देख लो, के और से नियम क्लियर हो गया होगा, कोई आपत्ति किसी को? चलें आगे। अगर वो बोलता है, अगर वो बोलता है तालिका का मध्य अक्षर, तालिका का मध्य अक्षर, तो हमेशा आप तालिका का मध्य अक्षर पंक्ति और स्तंभ तीन का अक्षर होता है। मध्य अक्षर, मध्य अक्षर हमेशा क्या होता है, ये होता है, इसे क्या बोलते हैं, मध्य अक्षर, मध्य अक्षर, ठीक है। तो मध्य अक्षर यही होता है, ठीक है, स्तंभ तीन और पंक्ति तीन का अक्षर ही मध्य अक्षर होता है। विकर्ण का मध्य अक्षर, तो विकर्ण कोई सा भी, उसका मध्य अक्षर भी यही होता है, ठीक है। तो जब भी मध्य अक्षर शब्द आ जाता है आपके क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्ट इस बीच वाले को जाकर के पकड़ना है। अब यहां पर मान लो अगर आपसे किसी अक्षर के पास ले जाके उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए कह दे, मान लो इस अक्षर के इर्द गिर्द घूमने के लिए कह दे, तो इस अक्षर के सबसे छोटी या जो भी अक्षर आया है उसके सबसे छोटी त्रिज्या में घूमना है, ठीक है। तो घूमने के लिए हम जब भी घूमेंगे इर्द गिर्द, जैसे सी के मध्य, तालिका के मध्य अक्षर के इर्द गिर्द घूमने पर सबसे ज्यादा बार आया हुआ अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न बन गया आपके लिए। तो जरा देखो, मध्य अक्षर दिख गया, मध्य अक्षर के इर्द गिर्द। अब इर्द गिर्द देखो, मैं इर्द गिर्द घूम रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा बार आया अक्षर, सबसे ज्यादा बार आया अक्षर कौन सा होगा? तो देखो मैं इर्द गिर्द घूम रहा हूं इसके, तो अब आप देख के बताओ कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया हुआ है तथा जिसमें मध्य अक्षर भी शामिल है, तथा जिसमें मध्य अक्षर भी क्या है, शामिल है। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो अब आपके इसके अक्षर के इर्द गिर्द जितनी भी आपका वो आ गया ना, तो मध्य अक्षर भी आपका इसमें क्या हो गया, सम्मिलित तो हो गया, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया आपका, तो इस वाली जगह में कितने अक्षर, इस वाले एरिए में कितने अक्षर, इन अक्षरों में सबसे ज्यादा बार आया हुआ अक्षर कौन सा है, तो जरा देख के बता दो भाई। देखो मैं बताता हूँ, देखो डी एक बार आया है, ये डी एक बार यहाँ आया है, और एक डी एक बार यहाँ आया है। डी से ज्यादा कुछ और आया है क्या? तो नहीं आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, या फिर वो क्वेश्चन को उतना ही रख सकता था जितना कि मैंने पहली बार में बोला था। क्या बोला था मैंने, कि भाई मध्य अक्षर के या तालिका के मध्य अक्षर के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा बार आया हुआ अक्षर कौन सा है, तो भी आंसर आपका क्या आ रहा है, डी ही आ रहा है। तो इर्द गिर्द घूमना आ गया अब आपको, अरे देवताओं नहीं आया क्या? अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, इसको मैं मिटा देता हूं, तो मध्य अक्षर आपको क्लियर मैंने करा दिया है, अब मध्य अक्षर के लिए आप लोग चिल्लाना मत, ठीक है, मध्य अक्षर मत भूल जाना, नहीं तो फिर बाद में तुम मेरे से बोलो बोला सर हमारा तो गलत हो गया। नियम पढ़ लो, नियम मैं इसीलिए बता रहा हूं ना। अगर मान लो मैं क्या कहूं कि भाई आ जाओ, अब आप इसमें आ जाओ, पंक्ति दो तथा स्तंभ, पंक्ति दो तथा स्तंभ चार के अक्षर के इर्द गिर्द घूमने पर, के इर्द गिर्द घूमने पर कौन सा अक्षर सर्वाधिक बार आया हुआ है? क्वेश्चन मैंने कर दिया है आपके सामने पुट अप, ठीक है, तो अब आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। कॉपी करके मैं आपको, उस पर मेरी आदत है इसको बार बार क्या कीड़े करने की इसमें, ठीक है, तो मैं मानूंगा तो हूँ नहीं,
तो देख लो मैंने क्या क्वेश्चन किया, मध्य अक्षर वाली स्लाइड आपकी सेव है, मिल जाएगी आपको आराम से, ठीक है? तो वो देख लेना आप, है ना। मैंने क्या बोला, पंक्ति दो तथा स्तंभ चार के अक्षर के इर्द गिर्द घूमने पर, तो आपको मिला पंक्ति दो स्तंभ चार का अक्षर मिल गया, ठीक है, के इर्द गिर्द घूमने पर। तो के इर्द गिर्द अगर मैं घूमूंगा तो सबसे छोटी त्रिज्या में ही घूमना शुरू कर दूंगा, कर दिया, के इर्द गिर्द चारों ओर घूमने पर, के चारों ओर घूमने पर सबसे ज्यादा बार आया हुआ अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर सीधा सीधा आंसर क्या आ रहा है, एक हमारा, देखो यहाँ देखते ही निगाहें अपने आप बोलती हैं कि भाई एक बार बी मिला, दो बार बी मिला, तीन बार बी मिला, तो तीन बार बी मिल गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर होगी बात, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना यहाँ पर, चलिए हाँ ठीक है। तो ये हमारा कुछ अभी तो रूल शुरू हुए हैं, अभी तो टेबल की कहानी शुरू हुई है, अभी तो मैं आपको टेबल में ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ऐसे शब्द पकड़ना सिखाऊंगा कि भाई उससे क्वेश्चन सेकंड में हल होगा। अभी तो हम क्वेश्चन पे गए ही नहीं है, अभी तो हमने टेबल को देखने का नजरिया देखा है, ठीक है, दायां बायां ऊपर नीचे मध्य अक्षर विकर्ण देखे हैं अभी तो, बाद में हम विकर्ण को विकर्ण से बदलना, पंक्ति को पंक्ति से बदलना, स्तंभ को स्तंभ से बदलना, ठीक है, और भी कई क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस वगैरह कराएंगे। अभी क्वेश्चनों पे नहीं जा रहा हूँ, टेबल को पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं रोकने वाला हूँ, आज के लिए मैं छोटे छोटे रूल्स बताए हैं, अगली क्लास में फिर दोबारा मिलूंगा, फिर मैं आपसे नई बात, नई जानकारी के साथ में नए क्वेश्चंस यहाँ पर, नई चीज़ें आपके साथ लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए मैं यहीं धन्यवाद कर दूँ, तो अगली क्लास में फिर दोबारा अपन मिलते हैं, टेबल टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। अभी अपन को प्रैक्टिस नहीं करनी, अभी तो अपन नियम सीख रहे हैं, बाकी जो पढ़ा दिया उसकी प्रैक्टिस करो, धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, गलती कम से कम करना, हाथ जोड़ के विनती तुम लोगों से, है ना, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर दोबारा मिलेंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रैक्टिस में लगे रहो। बुकें खरीद लो, जिनके पास बुकें नहीं हो बुकें खरीद लो, बुकों से पढ़ना शुरू कर दो। ये बहाना नहीं चलेगा कि ऑनलाइन हो रहा है तो साहब मेरे पास कोई साधन नहीं है, बुकें पहले तो मैं खुद अनार का पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद में तुम व्याकरण का निबंध लिखोगे। तो आज के लिए धन्यवाद करता हूँ, तो बुकें वगैरह खरीद लो, आज के लिए धन्यवाद।